ये क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई जो आज का ये व्लॉग है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। भाई जो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ ना, तो शायद ही आपने कुछ ऐसा आज तक देखा हो। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, मतलब मैं आपको कॉफ़ी बनाने की एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूँ। ये मतलब तब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, तो मैं भी लगा था कि ये चीज़ बढ़िया भाई, मतलब जुगाड़ कह सकते हो इसके, बहुत बढ़िया। मतलब कॉफ़ी बनाते हैं हम, जैसे शादी पार्टी में हम जाते हैं वहाँ पे कॉफ़ी बनाने की पूरी मशीन होती है, वो तो आपने देखी होगी। बट एक जो मैं आज मशीन आपको दिखाता हूँ, पहले रिवील कर देते हैं इसको। पहले ये देखो सामने आप, ऐसी मशीन है एक, इससे हम बनाएंगे कॉफ़ी। एक कुकर का इस्तेमाल करके, जो कुकर होता है ना जिससे हम खाना बनाते हैं जिसके अंदर, उसका इस्तेमाल करके हम कॉफ़ी बनाने वाले हैं। और कैसे इसको यूज़ करना है, क्या मतलब इसका सब कुछ मैं बताऊंगा इसके बारे में कम्प्लीटली। तो बिना किसी देरी के इसको व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो जानते हैं इस मशीन के बारे में भी और व्लॉग में भी इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आया तो भाई सब्सक्राइब कर लो पहले तो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट बनाते रहते हैं हम। फिलहाल आपको पता ही है कोरोना कितना फैल रहा है, तो भी घर में रह के हम कंटेंट बना रहे हैं, व्लॉग आना नहीं रुक रहे। तो भाई इसी बात पर सपोर्ट करना है आपको, अगर पहले से हमारे सब्सक्राइबर तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मशीन पूरी ये है, एक बार इसका पूरा लुक देख लो कैसा है। ये देखो पूरा कुछ वैसे तो थोड़ा टूट सी गई है ये शायद, और जंग भी लग गई है इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हम इसको लेकर आए थे और आपको मैं आज दिखा रहा हूँ। तो ये देखो पूरा इसको देख लो, इसके बारे में पहले मैं बाऊजी से पूछ लेता हूँ, बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे बाऊजी और अम्मा बैठे हुए हैं, तो बाऊजी सबसे पहले पूछते कहाँ से लेकर आए थे बाऊजी मशीन ये? सदर से लाए थे। सदर से कितने रुपये की? और 200-250 रुपये की लाए थे। 200-250? कितने टाइम पहले लाए थे इसको? कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल हो गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 5 साल से रखी है। 5 साल हो गए इसको, मेले में यूज करा था एक बार। अच्छा, तो भाई 5 साल हो गए इसको, तो है इसकी ऐसी हालत, जंग सी लग गई है थोड़ी। वैसे परफेक्ट काम करेगी, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुकर में आधा पानी भर लो और फिर उसको मशीन को लगा के वो स्टीम बनेगी, उसमें गर्म करो और फिर का बना लो कॉफी जैसे बनती है, मशीन आई है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो बाबूजी बता रहे हैं इसके अंदर जो हम कॉफी बनाएंगे कुकर की स्टीम से बनाएंगे, तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फिलहाल किचन के अंदर आ चुके हैं, किचन में मैं और साथ में आए हैं बाबूजी। तो बाऊजी और मैं ही मतलब इस व्लॉग को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल देखते हैं इस कॉफ़ी को बनाने के लिए किस किस हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। तो भाई अभी फिलहाल हमने दूध ले लिया है, और उसी के अलावा एक ये मग ले लिया है, और ये हमारी जो मशीन है कॉफ़ी बनाने वाली, और ये कॉफ़ी के पैकेट 3, और यहीं पर ही हमने ले लिया है कुकर जिसके अंदर प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर से मतलब स्टीम तब हो जाएगा पानी, तो उससे मतलब हम क्या करेंगे कुकर में पानी, ये कुकर में पहले बाऊजी डाल रहे हैं पानी। ये डाल लिया भाई कॉफ़ी के हिसाब से हमने, मतलब इसमें पानी डाला है क्योंकि हमको एक गिलास या दो गिलास कॉफ़ी बनानी है। अब इसको बंद कर देना है, फिर इसको पूरा स्टीम करेंगे। ये देखो ऊपर जो सीटी होती है ना इसकी, वो हटा दी गई है, और ये मशीन को लगाएंगे ऊपर से। ये ऊपर लगाना है देखो इस मशीन को, जो इस मशीन में यहीं पर ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पर ये लूज़ भी कर सकते हैं इसको और टाइट भी कर सकते हैं यहीं से। तो यहाँ से जहाँ पर सीटी लगी रहती है ना कुकर के ऊपर, ये यहीं पर ही हमको ये लगा लेनी है मशीन। ये देखो पूरा फिट कर लिया है इसको, इसको टाइट कर लो अब, तो ये मशीन यहाँ पे पूरा तरह से फिट हो जाएगी। तो देखो पूरा ये हमने इसको पैक कर दिया, ऐसे कैसा लग रहा है ना, पूरा कुकर का लुक ही बदल गया है। और इसको लगाओ सीटी का, सीटी का, और ये सीटी, तो इस सीटी को हमको यहाँ पर लगाना है, इससे क्या होगा ना पता लग जाएगा कि स्टीम बन गई अंदर। तो अब इसको गैस को चालू करना है। ये देखो पूरा कुकर का लुक अलग हो गया है। अरे तो वेट करते हैं ये कब तक स्टीम होगा, सीटी बच जाएगी, जैसे स्टीम हो जाएगा फिर यहाँ से हम इसको प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसी मतलब ये इसमें आवाज़ आ जाएगी ना, इसके प्रेशर बन चुका है अंदर, स्टीम हो चुका है, तो यहाँ से हम उस गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके थ्रू मतलब हम अपना जो है ये कॉफ़ी को तैयार करेंगे। इसमें से स्टीम आएगी, दूध गर्म होगा। तो भाई इतने हम ये जो दूध है इसको डाल लेते हैं इस मग के अंदर। 5 minutes later तो भाई गैस बनना स्टार्ट हो चुकी है, 5 मिनट हो गए हैं और गैस बनना स्टार्ट हो गई। देखो आवाज़ आ रही है, तो ये देखो
ओहो, ये देखो कितना स्टीम अंदर बन चुकी है इसके, और इसी से बनाएंगे हम कॉफी। और इससे कम छोड़ा मक्का हो। फिलहाल जो है ना दूध हमारा कम है और ये जो मग है ज़्यादा बड़ा पड़ गया है, तो सही से हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं, कोई जुगाड़ करना पड़ेगा या तो, या इसी में टेढ़ा करके करना पड़ेगा। कॉफी मिलानी है ना पहले इसके अंदर, पहले दूध गर्म कर। इसमें हमने दूध मिल्क डाला था पूरा, देख रहे हो सही से उबल चुका है, बॉइल्ड हो गया है। अब इसमें कॉफ़ी डालेंगे, मीठा डालेंगे, तो ये कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखो बाबूजी ने इसको यहाँ से प्रेशर पे को पूरा कंट्रोल कर रखा है। ओहो, अब डालो इसमें कॉफ़ी। तो वे अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम कॉफ़ी। ये पूरा दूध हमने बॉईल कर लिया है सही से, तो दो पैकेट कॉफ़ी डाल लेते हैं क्योंकि एक गिलास बना रहे हैं हम कॉफ़ी, वैसे तो ज़्यादा ही है एक गिलास से ये। बाकी इसमें शुगर भी डालना है हमें, चीनी वो अभी बाद में डाल लेंगे। तो भाई अभी फ़िलहाल हम डाल लिए चीनी इसके अंदर, शुगर ये एक चम्मच डाल लिया, दो चम्मच ज़्यादा ही, दो चम्मच मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हम शुगर, कितना मीठा हमें पसंद है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने करा था पहले। पहले इसको नॉर्मली मिला लेते हैं, मेल्ट हो गया सही से इसमें चीनी। तो ये अब इसको भी कर लेते हैं वैसे तैयार। देख रहे पूरी कैसे उबल रही है इसके अंदर कॉफी। अभी आपकी कॉफी बन के तैयार हो गई, गर्म गर्म पियो। बंद और ये होगी गर्मा गर्म फ्रेश बिल्कुल बढ़िया खुद से बनाई हुई कॉफी। स्टीम निकल रही है ठीक है, और कभी भी कोई भी कॉफ़ी बना सकते हैं। तो भाई ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो बड़ा जग भी ले सकते हैं हम। ये देखो ऐसे, तो भाई हमारी कॉफ़ी फ्रेश कॉफ़ी बिल्कुल बढ़िया से हमने घर पर ही बनाई है, बिल्कुल जैसे शादी पार्टी में हम जैसे पीते हैं जाकर उसी बिल्कुल तरीके से घर पर ही बना ली। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया मशीन है, मज़ा आ गया। मतलब देखो बनाने पे भी इतना मज़ा आ रहा है इसमें, तो मतलब ये उसमें स्टीम दिया करो, देख रहे हो मज़ा ही होगा आपको भी देखकर। तो फिलहाल कॉफ़ी दिखाते हैं आपको कि कैसी दिख रही है, मतलब दिखती तो वैसी है जैसी होती है। तो ये करते हैं आप कॉफ़ी कफ के अंदर। तो वही आ गई हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार होके हैप्पी बर्थडे वाले कप के अंदर, और ये बाबूजी भी अपने लिए कर रहे हैं कॉफ़ी यहाँ पर ग्लास में।
फिर भी बच गई है यहाँ पर देखो। तो भाई काफ़ी हो गई है कॉफ़ी, तो हमने एक गिलास दूध लिया था, पता नहीं बढ़ कैसे किए। सो गाइस यही था आज के इस ब्लॉग के अंदर। हो सकता है आपने ऐसी कॉफ़ी बनाने वाली मशीन पहले ना देखी हो, तो मैंने आपको दिखा दी, और अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात है भाई। तो अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो भाई साइट पे जाकर ऑनलाइन तो सर्च कर लेना कॉफ़ी मेकिंग मशीन वगैरह कुछ भी, कहीं ना कहीं तो ये ऑप्शन में आ ही जाएगी, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं पता मुझे इसका। और अगर आपको ये ऑफलाइन लेनी है तो भाई सदर बाज़ार में से हम लेकर आए थे ये, जो कि बाबूजी लेकर आए थे यानी कि दादा, तो 5 साल पहले लेकर आए थे। बाबूजी बता रहे हैं कुकर मिलते हैं उस साइड जहाँ पे सदर बाज़ार में, वहीं पर ये मिलेगी। तो कहीं पे वहाँ आसपास जाके पूछ सकते हो आपके कुकर कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी मार्केट यहाँ पे कुकर वाली है, उसी साइड ये सब मिलते हैं सामान, मतलब ये स्टील वगैरह के जो है वहीं पर ही जहाँ सामान मिलते हैं वहीं मिलती है, ठीक है। तो भाई अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट करके हौसला बढ़ा सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो वीडियो के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के अंदर। तो ध्यान रखिए आप सभी अपना, जय हिंद, वंदे मातरम।